सो राइट नाउ दिस इज अ पिच डार्क, मतलब दिस इज अ डार्केस्ट. अरे यार कौन पीछे से मार रहा है लाइट. फाइनली बंदा आ गया. हद है यार, कितना लेट कितना लेट. कितना लेट कितना लेट. नहीं नहीं निकाल मत निकाल मत निकाल मत, टाइम वेस्ट हो रहा है. गोप्रो है तो अभी पता चला तेरे को. एंड एक्चुअली तो वो कैप्चर हो रहा है फिलहाल, तो यू आर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग. बाद में चल 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 चल. बोट ऑल इंडिया ऑल इंडिया. बाय द वे दैट्स ठीक है. बाय द वे दैट्स सिद्धार्थ, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड. एंड दिस इज हिज फर्स्ट बाइक, मतलब डायरेक्ट बंदे ने 350 cc की बाइक ली थी. ओके चल. सो हाय गाइस, दिस इज हेमंत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. बाय द वे वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी राइड, वी आर जस्ट गोइंग फॉर इंस्टॉलिंग दैन ऑक्सिलरी लाइट ऑन अवर बोथ ऑफ योर बाइक. ही हैव अ सुपरनोवा येलो एंड सॉरी ही हैव अ फायरबॉल येलो एंड आई एम ऑन माई सुपरनोवा सिल्वर कस्टम. सो बाय द वे दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम मोटो ब्लॉगिंग ऑन माई न्यू बाइक एंड यस द न्यू कैमरा दैट गोप्रो 8 विथ मीडिया मोड. पता नहीं आपको अभी नवाइक मतलब सॉरी आवाज़ कैसी आती रहेगी करके. हाँ गर्मी है यार. सो स्टिल 363 किलोमीटर्स टोटल हो चुका है बाइक्स का एंड येट वी हैव टू कंप्लीट द ब्रेकिंग पीरियड जो कि 500 किलोमीटर का है, मतलब फर्स्ट स्टेज वाला ब्रेकिंग पीरियड. And the second stage is around 500 kilometers to 5000 kilometers to 2000 kilometers, I guess. और हाँ, ये कैसा ब्रेकिंग कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ आई विल उसका भी एक सेपरेट मीनू उसके बाद बनाऊँगा. अभी फिलहाल तो आप इसके डिलीवरी का वीडियो तो अब तक तो आ चुका रहेगा. प्लीज़ देख लीजिएगा, आई बटन के ऊपर दिया है. एंड यस अभी यस कहाँ जाना है. सो वी आर गोइंग फॉर टू अ शॉप कॉल्ड एज ए एक्सीलेंस करके. यहाँ पनवेल हाईवे पे ही है एंड उससे बात हो चुकी थी रिगार्डिंग दिस ऑक्सिलरी लाइट एंड सिद्धार्थ को भी लाइट्स लगाने थी. सो ही वॉज गोइंग टू इंस्टॉल कौन सा था वो मैट डॉग. हाँ मैट डॉग का लाइट लगाने वाला था बट आई थेड कि एस जे जी इज वे चीपर एंड बेटर. पता नहीं अभी आई एम नॉट श्योर उसका, पर उसके रिव्यूज अच्छे देखे हैं मैंने. तो भाई यहाँ से बंदे तो आई थिंक वो आगे से जाना पड़ेगा. आगे से अच्छा बाय द वे दिस इज द शॉप जहाँ हमें जाना है बट यहाँ से एंट्री नहीं है शायद से, तो आगे से अपने को यू टर्न लेना पड़ेगा. बाबा सब गियर वियर हर बार देखना पड़ता है कौन सा गियर है और नहीं है, वो एक आदत बिगाड़ रहा है ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर. सो दैट्स एक्सेलेंट. तो अभी इट्स माय टर्न नाउ. मेरा स्विच लग रहा है, ये वो नाइस स्विच, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. ये हाँ क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये रहता है ना फाइटर प्लेन का थट 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 मिसाइल ऐसा. ये एक्चुअली है ना इसमें भी है मेड लगे ये है ना, ये भी ऐसा स्विचेस है ना इसमें भी रहता है, जीप कैंपस में भी है या ये वेलक्री या कोई तो है ना उसमें भी है बोलते हैं. तो पहले एक क्वेश्चन था कि ये इसको लगाना कहाँ है. पहले ऐसा लग रहा था कि इधर लगा सकते बट
सबसे बेटर है कि आगे ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन काफ़ी होगा। तो पहले सिट की बाइक के ऊपर लगेगा, फिर बाद में मेरे बाइक के ऊपर लगेगा। फ्लैश भी होगा क्या? नहीं ना, ऑन ऑफ। तो लाइट लग गई है, बस अभी प्रॉपर कनेक्शन करना बाकी है। और मेरा क्लैंप लग चुका है, आई गेस इक्वी डिस्टेंस में ही है, एक बार बताना पड़ेगा। So almost done. ऊपर से नॉट बाकी वी कैन एडजस्ट। सो डन विद द इंस्टॉलेशन, राइट नाउ आई एम सेविंग। सो डू विजिट एक्सीलेंस, आपको काफ़ी सारा हेलमेट्स का भी रेंज मिल जाएगा, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली बुलेट का हर चीज़ एक्सेसरीज स्पेयर पार्ट यहाँ वो लोग ला के देंगे, और जो भी नए भी रहेंगे ना तो वो लोग आपको मंगवा के देंगे। दे आर गुड गाइज, एंड एक अच्छा था कि एक पहचान से रेफरेंस से मुझे मिला, तो उसका अभी आउटपुट बाद में मैं दिखाऊंगा, फिलहाल तो नहीं, अभी अंधेरे में जाएंगे। सिद्धार्थ पहले ना कभी भी है ना एक माइक्रोफाइबर बड़ा सा एक ये क्लॉथ लेके उसके ही लगा, ऐसा भले पीपीएफ हो या कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, वो स्क्रैच करेगा ही करेगा। हाँ अभी ट्यूरा टेक का भी तू लेगा ना, फिर भी उससे स्क्रैच होगा ही होगा। नहीं हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल ये भी यूज कर सकता है तू, इससे भी बड़ा मिल जाएगा तेरे को, माइक्रोफाइबर कॉर्ड मिल जाएगा।
तू ये वार्म अप कर रहा है क्या? बाबा कितना घंटा लग गया? 3:30 से लेके 6:50, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे के ऊपर हो गया। अब इसका आउटपुट है ना, एक ऐसा अंधेरा वाला जगह देख के मेरे को दिखन लगाना पड़ेगा। तो अभी अपने मेरे अपने एरिया में कौन सा अंधेरा वाला जगह है, वी हैव टू फाइंड इट। बाय द वे इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट गड़बड़ लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा एंगल एंगल करो, पर वो कैसा है कि वी कैन डू इट। अगर आपने पास एलेंकी रहेगा ना, तो एलेंकी से अपन कर सकते हैं। बाय द वे ये राइडर क्या मस्त दिख रहा है। नहीं एक्चुअली फायरबॉल भी अच्छी दिखती है ना, काफी अच्छी दिखती है। उसमें बैठने वाला आदमी भी वैसा हट्टा कट्टा है। बाद में ये वीडियो देखेगा तो कुछ ना कुछ तो कमेंट करेगा भाई। अरे ऐसे तेरा बार एंड मिरर किया क्या टाइट? किया ना? हाँ? कॉलेज का नहीं ऐसा नहीं था? नहीं अभी उन्होंने बनाया ये पार्क की वजह से। बाय द वे मेरे को मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कौन सा एरिया है करके, वरना हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। सो राइट नाउ दिस इज़ अ पिच डार्क, मतलब दिस इज़ द डार्केस्ट। अरे यार कौन पीछे से मार रहा है लाइट? सो ओके, सो दिस इज़ द डार्केस्ट एरिया जो हमें मिला है। हमने काफ़ी ट्राई किया कि उससे डार्क मिले, बट दिस इज़ द मतलब ओके वाला डार्क। सो अभी हर यूट्यूबर की तरह मैं भी स्टार्ट करूँ के कर दूँगा, मतलब पहले हैलोजन अपना स्टार्ट करूँगा। ये अपना डी आर एल से इतना मुझे दिख रहा है, बिल बाय गूगल, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ द लो बीम, दिस इज़ द हाई बीम, ठीक है। वापस एक बार दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द लो बीम, दिस इज़ द हाई बीम। एंड नाउ अपने ऑक्सिलरी लाइट को स्विच कर रहा हूँ, दिस इज़ द ऑक्सिलरी लाइट का आउटपुट। थोड़ा सा एंगल में चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बाद में करूँगा। बट सी दिस इज़ द आउटपुट, मतलब ये बिना मैंने अपना फिल्टर लगा के दिखाया मैंने। अभी उसका फिल्टर लगा के भी दिखाऊँगा ये ऐसा। चलो अभी तेरा बाइक दिखाना। नहीं 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 मैं बैठ रहा हूँ। ओके तो मेन स्टैंड में लगा दे, चलेगा। सो दिस इज सीड्स बाइक, इसमें इसने वो फिल्टर लगाया है, मैंने निकाला नहीं, मतलब मैंने लगाया नहीं, मैं बाद में लगाऊंगा। अभी ऑन करेंगे तो DRLs में ऐसा दिखेगा। ये उसका हैलोजन नॉर्मल लो बीम, दिस इज द हाई बीम, दिस इज द लो बीम, दिस इज द हाई बीम। एंड अभी इसको स्टार्ट करेंगे मेन स्विच को। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक, इसने एडजस्ट किया है। सो इट्स वो अच्छा खासा थ्रो दिख रहा है, मतलब आसपास का अच्छा खासा लिटअप हो चुका है, इसके लिए दिक्कत नहीं हो रहा है आगे देखने के लिए। तो ये एसी सेटिंग में, और अगर हाई बीम्स रहेगा तो मतलब कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये और ये ऐसा सेट किया है कि सामने वाले के आँख पे मारेगा नहीं करके, मतलब वो उनको भी प्रॉब्लम ना हो और अपने को भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। सो दिस इज़ द आउटपुट। है मच्छर चाट रहे, चलो निकलते हैं अभी। अरे साइड स्टैंड लगाए, हाँ चलो चल भाई निकलते हैं। मतलब ऐसे, मतलब कि ऐसे अंधेरे वेरे इधर आइसोलेटेड एरिया है ना, रहेगा ना, तो किसी को आइडिया आ जाएगा, तो वो लोग कुछ भी यहाँ कर सकते हैं।
ऐसा मेरा मानना है। सो इट्स बेटर कि ये लोकेशन डिस्क्लोज रहे, टॉप सीक्रेट रहे। पता नहीं क्या पता एरिया 51 या 52 वहाँ रहेगा। मैं गया हूँ वहाँ। गया है तू? ठीक है। हाँ पर तुझे पता है तू गया है, मुझे पता है मुझे, पर ऑडियंस को नहीं पता ना, वही ना। तुझे भूल सकता है ना अपने वीडियो में? नहीं वैसे रिकॉर्डिंग चालू है। तो गाइस हाँ हाँ एरिया 51 है। हाँ एरिया 51 भी नहीं, पर मैं बीप कर दूंगा, नवी मुंबई बोल दे। ये महाराष्ट्र का एरिया 51 है। राइट। यहाँ पे कई एलियन लैंडिंग्स दिखे हैं। हाँ ठीक है चल। ये जगह जहाँ से ऋतिक रोशन को जादू मिला था और जादू ने ऋतिक को पावर दिया था। हाँ यूएफओ यहाँ ही लैंड हुआ था एक्चुअली। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो भाई अगर आपको कुछ एक्सेसरीज लेना है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एक्सीलेंट। मेरा रेफरेंस दो, मैं दोगे नहीं दोगे वो अलग बात है, बट टिल देन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन बिल नोटिफिकेशन दबाइएगा एंड बाकी तुम तो तुम्हें बघून गया। बाय।